सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेहंदी लगा के रखना 3 दिन मुहूर्त हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या है? आप लोगों को पता है कि पहली फिल्म हम लोगों ने बनाई थी साथ में, और आप सबने जो प्यार दिया है, उसको आशीर्वाद दिया है, उसी प्यार आशीर्वाद की कामना में, उसकी अभिलाषा में फिर से एक बार हम दोनों जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं निशांत उज्जवल जी, जो आपके बिरादरी से आते हैं। पहली बार इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई मीडिया का आदमी, एक पत्रकार जो पहली बार एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आप लोग सब आदमी मित्रों से अनुरोध है कि उस आदमी के लिए आप शुभकामनाएं दीजिए। जिसको भी प्रोड्यूसर बनना है खेसारी को अप्रोच, हाँ, जितने मीडिया कर्मी है किसको ये तो मैं मजाक की बात, अगले 50 रुपए दे देना। फिल्म बनाने की हिम्मत तो रखो, अच्छी सिनेमा बनाओ, पारिवारिक सिनेमा बनाओ, लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा, उसके लिए 50 रुपए में भी काम करने के लिए बनाए थे तो ऐसे तो बन गया था, 50 रुपये बना था वो। 50 रुपये बना था, प्रोड्यूसर से पूछ लेना। जो हर एक बेटा के दायित्व बनता है अपने माँ बाप के लिए, या जो हमारे परिवार में आज के ज़माने में हो रहा है, उसी पे आधारित सिनेमा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ऐसे सिनेमा का हिस्सा बना हूँ जो हर परिवार की ज़रूरत है। तो कोशिश है हम लोगों की, बाकी अभी तो सुना हो, बाकी आगे बन के क्या आता है तो मंजूर साहब बताएंगे, क्योंकि इनका भी मेरे से तो मेरे लिए भी इनका नया अनुभव है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कॉपरेशन से ये सिनेमा बनेगा, लेकिन हम भी इनको जान पाएंगे तब जब सिनेमा करने जाएंगे। अभी ये क्या करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी इन्होंने मुझे बैकग्राउंड अपना दिखाया सिनेमा का, वो बड़ी अच्छी थी, क्योंकि राजस्थान से हैं तो राजस्थानी मूवी इन्होंने जो भी बनाया है बड़े अच्छे टैकिंग के साथ बनाया है। तो मेरा विश्वास है कि एक नया अनुभव भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलेगा, जो कि राजस्थान में था वो अनुभव आज भोजपुरी के लिए आ रहा है। फिल्म की अगर बात करें सनी जी, तो क्या बैकड्रॉप है इस फिल्म का, जैसे पोस्टर में भी हम देख रहे हैं, तो उसको लेके और क्या बैकड्रॉप, किस पर आधारित है ये? एक फैमिलियर फिल्म है और एक हर माँ बाप के लिए है, हर एक बेटा के लिए है। तो अभी मैं कहानी को नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि अभी कहानी बनने में टाइम है, अभी चल रही है सारी चीज़ें, तो अभी गाने पे हम लोग बैठेंगे, कहानी तो लिखी जा चुकी है, लेकिन अभी हम लोग गाने पे बैठेंगे दोनों भाई, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर और आप लोग, ये तो पर्चे का मोहताज है नहीं, रजनीश भैया जीनियस आदमी है, और जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भोजपुरी के भला के लिए करते हैं, तो कोशिश हमारी रहती है। तो भोजपुरी का जब भी कुछ भला होना होता है तो ये जुड़ जाते हैं बेचारे। इसका जवाब मैं दूं क्या? एक्चुअली क्या है, खेसारी जी की एक बहुत अच्छी आदत है जो मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं पहली बार इनको कहानी लेकर के गया था तो मैं बिल्कुल न्यू फिल्म मेकर था, पहला बार डायरेक्शन कर रहा था, तो एक ही चीज इनको आकर्षित करती है, वो है जो मैं अपना निजी अनुभव से बोल रहा हूँ, वो है फिल्म की कहानी। एक बार इनको फिल्म की कहानी अच्छी लग जाती है तो बाकी चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और इस फिल्म में भी वही हुआ। पहले एक दो कहानियाँ डायरेक्टर साहब ने हमें सुनाया और हमने बोला कि आप खेसारी जी को सुनाइए, उनको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल करेंगे। इन्होंने सुना, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, फिर जैसे हमने बोला कि ये कहानी, हम लोग डिस्कस किए, बोले कि ये कहानी सुना लीजिए, और जैसे इन्होंने वो कहानी सुनाई, सुनने के साथ ही इन्होंने रेडी अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हम करेंगे कहानी। तो इनके लिए जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कहानी सबसे सर्वोपरि होता है, अगर कहानी पसंद आ गई तो बाकी चीज़ें। किस प्रकार का म्यूजिक होगा, संगीत होगा, क्या चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जब खेसारी लाल यादव के साथ काम करना होता है तो म्यूजिक बहुत बहुत परिश्रम करके नहीं बनता। इनके साथ ऐसा है कि इनके रग रग में म्यूजिक है, शायद म्यूजिक इनसे छीन लिया जाए तो ये दुनिया छोड़ दें। प्रतिदिन इनका दिनचर्या में है कि 2-3 गाने जब तक ये बना नहीं लेंगे, उसको गा नहीं लेंगे, उसको खा नहीं लेंगे, पचा नहीं लेंगे, इनको चैन नहीं मिलता। तो इनके साथ काम करने का, संगीत बनाने का मेरा जब शुरू से ही जो अनुभव रहा है, जो जो फिल्में हमने किया साथ में, म्यूजिकली सारी की सारी ब्लॉकबस्टर, जितनी फिल्में हम लोगों ने किया म्यूजिकली, और
संगीत इनके साथ बनाने का एक अलग अनुभव है। वैसे तो सबके साथ, दिनेश जी के साथ काफी फिल्मों का मैं संगीत दिया हूँ, पवन जी के साथ भी दिया हूँ, पर इनके साथ संगीत बनाने का एक अलग आनंद ये है कि इनको राइटिंग का हुनर बहुत अच्छे से आता है। कि जो जो दर्शक वर्ग हैं जरा भोजपुरी बढ़िया से आवेला और भोजपुरी में का सुने के चाहता है, यही कारण से वो लोग जानते बनी कि खेसारी लाल यादव 10 साल से आज ऑडियो लाइन में, मतलब गायकी के लाइन में टॉप पर आज 10 साल से चल रहा है। आज भी यूट्यूब पर चाहे हर प्लेटफॉर्म पर नंबर 6 पर इनकर सर्चिंग चल रहा बार हुआ, लोग सब वाकिफ बानी, ट्रेंडिंग में चल रहा बड़े। तो संगीत के फील्ड में ये आज 10 साल से सिरमौर बड़े, तो इनका संगे गाना बनौला के एहसास एगो अनोखा होला। और डायरेक्टर साहब के चूंकि विजन बहुत क्लियर बा और जो सब्जेक्ट यहाँ उठौले बनी नौ पर हमने के संगीत अपने अंदर से खुद से निकली, इतना बढ़िया। बाकी संगीत के बारे में हम कैसन बनाए एक ज्यादा ई कैसन बनवाई है ऊपर इससे अच्छा कोई सवाल नहीं था धरती पे आज जीवन में कौन हेरा फेरी नहीं करता है, विदाउट हेरा फेरी जीवन किसकी चलती है। हमें जरूर इधर उधर करना पड़ता है, समस्या की हाँ, बशर्ते एक चीज है कि हमें अश्लीलता को परोसना नहीं है, अश्लीलता से दूर रहना है। और हम कोशिश यही करेंगे जब हम कहानी जब घर परिवार की उठाएंगे तो हम शायद उसमें अश्लील कभी नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे घर परिवार में हमारे संस्कार में अश्लीलता नहीं है। अगर हम किसी और जगह से चीजों को उठाते हैं तो उसको समझाने के लिए लोगों को अश्लीलता डालनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे कल्चर में नहीं है। तो हमारे परिवार की कहानी है, दुनिया का मतलब ये है जो एक पिता को समझने के लिए, एक माँ को समझने के लिए, एक बेटा को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग ने सब्जेक्ट को करने का काम किया ताकि जो बच्चे भटके हुए हैं वो कम से कम अब उस माँ बाप की अहमियत को तो समझे, जिस माँ बाप ने हमारे खिलौने के लिए अपना पेट काट काट कर हमारी खुशी के लिए काम किया। और एक टाइम पे ऐसा आता है कि हम उनको दरकिनार कर देते हैं और हमारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। आप जितने बड़े स्कूल में जाएंगे सर, जितने बड़े अपने बच्चों को अमेरिका भेज दीजिए, कल चल के उतना ही छोटा अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम आपके लिए ढूंढेगा। रीजन है कि इतना बड़ा कर देंगे कि उसकी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालना बहुत जरूरी है। आप उसको अमेरिका पढ़ाइए लेकिन संस्कार से दूर उसको मत करिए। इसी की कहानी है ये दुनिया, और हम लोग कोशिश किए हैं कि हर बच्चे संस्कार में पले और संस्कार में ही बड़ा हो।